दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग डेवलपमेंट नाम की प्रोसीजर या फिर प्रोसेस क्या होती है, ड्रग डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों नीडेड होता है और ड्रग डेवलपमेंट के बारे में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग डेवलपमेंट नाम की एक बहुत ही बड़ी कंसेप्ट है, यानी इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक लेक्चर या फिर हम बोल सकते हैं एक घंटा दो घंटा लेक्चर देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है, जो बेसिक काम जो सबको पता है कि यहाँ पे दवाइयाँ बनाना होता है और हर एक दवाई में हर एक मेडिसिन में यहाँ पे यूनिक कंटेंट होता है, यानी वो दवाई बनाने की और अलग अलग प्रोसेस होती है वो दवाई बनाने के लिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग मेथड्स या फिर अलग अलग केमिकल्स भी चाहिए होते हैं। तो इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो होता है दोस्तों R&D डिपार्टमेंट, यानी जिसे बोला जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैंने इस चैनल के ऊपर पता नहीं कितने सारे वीडियोस में बात की है। और आप सब लोगों को भी पता है कि यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो, लेकिन R&D डिपार्टमेंट उस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। रोल प्ले इन द सेंस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो R&D डिपार्टमेंट करता है वो होता है दोस्तों प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, यानी कौन से भी यहाँ पे केमिकल कौन सी भी चीज को तैयार करने के लिए अपने अपनी कंपनी की अलग 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 यहाँ पे मेथड्स होती है। सपोज मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए क्या, अगर आपको चाय बनाना है, अगर आपकी कंपनी में चाय बनाने वाले और उस चाय बनाने के लिए यहाँ पे एक कंपनी शक्कर पहले डालती है, दूसरी कंपनी यहाँ पे पानी पहले डालती है और तीसरी कंपनी जो है वो पहले सबसे पहले वो चाय की जो पत्ती होती है वो सबसे पहले डालती है, यानी हर एक की यहाँ पे प्रोसीजर अलग अलग होती है और हर एक कंपनी ने अपने अपने के लिए यहाँ पे अलग अलग पेटेंट्स लगाए रहते हैं, यानी यहाँ पे हर एक कंपनी एक ही चीज अलग अलग तरीके से बना सकती है। यानी चाय बनाने के लिए तीन अलग अलग कंपनी तीन अलग अलग प्रोसीजर्स भी यूज कर सकते हैं और हर एक कंपनी के अपने अपने पेटेंट्स होते हैं, यानी उन पेटेंट पे सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड होता है कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, कौन से चीजें इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, कैसे कैसे सब प्रोसेसर जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हर एक कंपनी के प्रोसेसर अलग होने की वजह से हर एक कंपनी को अपनी अपनी अलग मेथड या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग चीज ढूंढनी पड़ती है अपनी अपनी चीज बनाने के लिए, अपनी अलग अलग नए प्रोसेसर नए मेथड तैयार करनी पड़ती है। इन सब चीजें के लिए यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा हेल्प करता है। R&D डिपार्टमेंट के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं यहाँ पे प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस डेवलपमेंट, यहाँ से ड्रग डेवलपमेंट से भी आगे होता है प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी आपको वो जो ड्रग तैयार करने वाले है या फिर आप कौन से भी अगर प्रोडक्ट तैयार करने वाले तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले वो किस तरह से तैयार होगा, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड हर एक कंपनी अपने अपने के लिए तैयार करती है। ये होता है यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट की सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो ड्रग डेवलपमेंट में आती है ये होता है दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी एक्चुअली सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, क्वालिटी की डेफिनेशन में पूरी कंपनी आ जाती है, यानी जितने भी लोग R&D में जितने भी सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्शन में चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस या फिर पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी के लिए और वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी के। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर ड्रग डेवलपमेंट में यहाँ पे दूसरी चीज आती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इसलिए होता है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होती है जितने भी सारे प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डेवलपमेंट या फिर पता नहीं जितनी भी सारी चीजें एक ड्रग को बनाने के लिए लगती है वो सारी चीजें यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाता है या फिर हम बोल सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट डेवलप करता है। तो दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है ड्रग डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे सबसे पहला होता है R&D डिपार्टमेंट और दूसरा चीज होती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। अब जब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी अपने अपने अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नेम होते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे USFDA जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज को निगरानी रखने के लिए हर एक कंपनी को देखने के लिए, तो उसके अंडर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आती है जितने भी सारे अप्रूवल की चीजें आती है वो सारी यहाँ पे तैयार करने का काम वो सारी प्रोसेस में जाने का काम यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। यानी एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उस मार्केट में लाने के लिए वो जो सर्टिफिकेट होता है वो रोल सबसे पहला किसका होता है वो होता है दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यह होता है ड्रग डेवलपमेंट।
आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में जानने वाले हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी चीजें होती है, लेकिन आपको मैं बेसिक वीडियो में बताना चाहता था कि एग्जैक्टली ड्रग डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।